हेलो दोस्तों, आपकी फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 14 से 24 साल के बीच के यंग बच्चों में सबसे ज़्यादा दुबलापन क्यों पाया जाता है, और हम बात करेंगे कि वो कौन से रीजन है जिसके कारण सबसे ज़्यादा दुबलापन हमारे शरीर में आता है। तो चलिए बात करते हैं उन सारे रीजन के बारे में जिसके कारण हमारा शरीर दुबला का दुबला ही रह जाता है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती। जिसका पहला रीजन है सही खाना नहीं खाना। आप सभी जानते हैं खाना ही हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देता है, वो सबसे ज़्यादा पोषण देता है। और ये देखा गया है कि सिर्फ 14 से 24 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड खाते हैं, ना कि घर का खाना खाते हैं। और अगर घर का खाना खाएंगे भी तो उसमें पोषण वगैरह वो नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत ही खाना खा के उसे छोड़ दिया करते हैं। दूसरा जो रीज़न है कि दिनचर्या सही नहीं रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप दिनचर्या अपनी कैसे व्यतीत करते हैं। अक्सर देखा गया है कि 14 से 24 साल के बच्चे अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं। वो सुबह से लेट उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं और खाना बहुत कम खाते हैं, जिसके कारण से उन्हें दुबलापन आ जाता है। तीसरा रीजन है मास्टरबेशन। जी हाँ, मास्टरबेशन 14 से लेकर 24 साल के बीच में सबसे ज़्यादा मास्टरबेशन किया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। वैसे देखा जाए तो मास्टरबेशन शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना। पर हद से ज़्यादा आप हफ्ते में दो बार से ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब हम मास्टरबेशन करते हैं तो इससे हमारे शरीर की सेक्सुअल एनर्जी बाहर निकल जाती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर को किसी ने निचोड़ लिया। और देखा गया है 14 से लेकर 24 साल के बीच में लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी मास्टरबेशन का शिकार हो जाती हैं। कई बार इन्हें इनकी आदत इतनी पड़ जाती है कि ये इसके बिना सो भी नहीं पाते। चौथा रीज़न है पान मसाले खाना, जो कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। और इसे खाने की लत सबसे ज़्यादा टीनेजर को स्कूल या कॉलेज में ही लगती है, जब वो 14 से 24 साल के बीच में होते हैं और उस टाइम पर उन्हें इसके बुरे अंजाम के बारे में पता नहीं होता है। पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर तो होता ही है, साथ में पान मसाला जब हम थूकते हैं तो इस पान मसाले के साथ हमारे शरीर का पानी और लार्वा बाहर निकल जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों, अगर इन चारों आदतों में से आपको कोई भी आदत है तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, जिसके कारण आपका शरीर जल्दी से डेवलप होना चालू हो जाए। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की दवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।